हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कुछ टाइम से जो है MIUI 12 की काफ़ी सारे फीचर्स जो है लीक हो रहे हैं और कुछ ऐसे ही फीचर्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है पांच ऐसे नए फीचर्स लेके आया हूं जो कि आपको MIUI 12 के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कंप्लीट आपके जो MIUI 11 का लुक जो है चेंज कर देते हैं। एक नए तरीके का UI देखने को मिलता है और एक नए तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जिसकी बात करने वाला हूँ, ये फीचर जो है MIUI 12 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट उन्हीं फोन्स में देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको AMOLED स्क्रीन मिलती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो है आप अपने मनपसंद से किसी भी इमेज को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो है आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते थे, अब आप उसका टेक्स्ट साइज को भी आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। क्या आपको टेक्स्ट साइज चाहिए उसको आप चेंज कर लीजिए। फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं अगर आप बोल्ड करना चाहें, ये देखिए बोल्ड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी यहाँ से इजीली कर पाते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप। उसी तरीके से इसके अंदर आपको दो नए ऑप्शन और देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, जिसको आप प्लस के बटन को टैप करके आप लेटर स्पेसिंग को ज़्यादा कर सकते हैं, उसी तरीके से लाइन स्पेसिंग को कम ज़्यादा यहाँ से इजीली कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर मिल जाती हैं, जिसको आप खुद जाके एडिट कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक कलर, मन मुताबिक इमेज, उनके स्पेसिंग, उनके कलर्स, उनके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। शो डेट टाइम के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं आपको, बैटरी स्टेटस मिल जाता है, शो नोटिफिकेशन, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे AOD के अंदर यहाँ पे नए देखने को मिलेंगे जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे। अब अगला फीचर जिसकी बात करने वाला हूँ वो आपको मिलता है आपके फोन की ही सेटिंग्स के अंदर, जो है स्क्रीन टाइम। अभी तक जो आप लोग स्क्रीन टाइम देते थे उसका लुक अलग होता था, बट जो MIUI 12 के अंदर जो आपको स्क्रीन टाइम मिलने वाला है वो कुछ आपको इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपको ऊपर दो टैब्स देखने को मिल रहे होंगे, एक डैशबोर्ड जो कि स्क्रीन टाइम का है और सेकंड जो है फोकस मोड। अब फोकस मोड के अंदर जो है आप अपने भी मन मुताबिक कोई भी टाइम स्लॉट यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, तो ये भी एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला। पूरा UI कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, डे और वीक वाइज जो है आप यहाँ जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। क्या आपका स्क्रीन टाइम रहा वो चीज़ें आपको मिलेंगी, कितने ऐप्स आपने यूज़ किए हैं, क्या उनकी टाइमिंग्स रही हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से फ़ोन को कितनी बार लॉक एंड अनलॉक किया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक नया सेकंड अपडेट जो है आपको MIUI 12 के अंदर जो है अभी तक देखने को मिल चुका है। ये सारे अपडेट जो है चाइना के अंदर रोल आउट हो चुके हैं, हम चाइना का ही रोम यूज़ कर रहे हैं, चाइना बीटा वर्जन, जिसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स जो है हमको देखने को मिल रहे हैं MIUI 12 के, जो टेस्टिंग पे स्टार्ट हो चुके हैं इस टाइम पे। तो ये भी आपको एक नया फीचर देखने को मिला है स्क्रीन टाइम का, जिसमें आप डैशबोर्ड और फोकस मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। थर्ड फीचर जिसकी बात करने वाला हूँ वो मिलता है आपको सिक्योरिटी के अंदर। अगर आप यूटिलिटीज में जाएं, अब आपको यहाँ पे एक अर्थक्वेक मोड देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो अर्थक्वेक की वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप इसके अलर्ट्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं कि जब कभी भी अर्थक्वेक की कोई वार्निंग्स होगी तो आपके फोन के ऊपर जो एक अलग तरीके की टोन जो है बजना शुरू होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक की वार्निंग है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो है पूरी की पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपके लोकेशन वाइज, की कौन से नियर बाई आपके ऐसे प्लेसेस हैं जो एपिक सेंटर हैं, या फिर कितने डिस्टेंस बाद जो है कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप सेफ रह सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है इसके अर्थक्वेक वार्निंग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। डेमो में जाएं तो आपको सारा इसके डेमो मिल जाता है, किस तरीके की वार्निंग साउंड आपको देखने को मिलेंगी, वो सब चीज़ों को अब जो है आप अर्थक्वेक वार्निंग में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी एक थर्ड फीचर जो है आपको MIUI 12 के अंदर देखने को मिलेगा। अगला फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ जो कि MIUI 12 के अंदर आपको बिल्कुल नया और बिल्कुल नए UI के साथ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको मी का हेल्थ ऐप, जिसके अंदर अब तीन कैटेगरीज होंगी, वो आपके वर्कआउट्स, आपका स्लीप टाइम और आपका वेट शेड्यूल। ये सारी चीज़ें जो है आपका फोन जो है आपको ट्रैक करता रहेगा, कितना आपने वर्कआउट किया है, कितना आपका स्लीप टाइम रहा है, आप सब इन चीज़ों को जाके यहाँ पे चेकआउट करते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका स्लीप टाइम रहा, क्या उसके स्टैट्स रहे, वो सब चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने स्टेप्स को भी काउंट करेगा कि आपने स्टेप्स किए हैं, कितनी एक्सरसाइज आपने की है, कितनी कैलोरीज को आपने बर्न किया है, ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे। और वेट के हिसाब से भी आपको ये सारा का सारा स्टैट्स जो है आपके बताता रहेगा कि आपको कितना वेट जो है पुट ऑन करना चाहिए या फिर कितना लूज करना चाहिए। तो ये भी जो है अब आपको मी हेल्थ के अंदर कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके सभी फीचर्स को आप इंजॉय भी कर सकते हैं अभी अपने MIUI 11 फोन के अंदर। अब फिफ्थ फीचर जिसकी बात करने वाला हूँ वो है थीम्स के अंदर, जो कि MIUI 12 का मेजर अपडेट है, जो कि आपको थीम स्टोर में देखने को मिलेगा। अगर अब आप थीम स्टोर पर जाएं तो अब आप ऊपर टैब्स देख पा रहे होंगे, आपको रिकमेंडेड मिलते हैं, थीम्स मिलता है, वॉलपेपर्स देखने को मिलता है, उसी तरीके से लाइव वॉलपेपर्स, और सबसे एंड में आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अब देखने को मिलता है।
यानी कि अब आपको काफ़ी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेंगी। जो भी आपको स्क्रीन चाहिए आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपने कोई स्क्रीन जो है सिलेक्ट की है उसको आप डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद जो है आप उसको अपने एमोलेड स्क्रीन वाले जितने भी फ़ोन हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर जो था अभी तक आपको MIUI 11 के अंदर देखने को नहीं मिलता था, और अब ये फीचर जो है आपको MIUI 12 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप काफ़ी सारी जो है AOD की स्क्रीन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन पर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी जो है AOD स्क्रीन जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि MIUI 11 के अंदर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप चाइना के बीटा वर्जन के ऊपर हों और आपके फ़ोन के अंदर एमोलेड स्क्रीन होनी चाहिए, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर होना चाहिए। तो ये देखिए, जो हमारी जो थीम है यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो स्क्रीन है वो मोस्टली डाउनलोड हो चुकी है। मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए अप्लाई भी हो जाती है यहाँ से। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको जो है AOD स्क्रीन जो है अब अपने फ़ोन पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारी स्क्रीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यही नहीं, थीम मैनेजर में भी अब आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन का एक नया बटन देखने को मिलता है, जिस पर टैप करके जितनी भी आपने डाउनलोड कर रखी होंगी AOD स्क्रीन्स उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो आपको पसंद है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और उसको जो है आप अपने फ़ोन की जो है AOD स्क्रीन बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी आपको यहाँ पे स्क्रीन्स देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अलग सा एनिमेशन जो है हर थीम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ डे वाइज काम करती हैं और कुछ वेदर वाइज काम करती हैं इसके अंदर। यही नहीं, आपको थीम कंपोनेंट्स में जाएं तब आपको जो है UI यहाँ पे भी चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ थीम लैब में आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर, वॉलपेपर स्लाइड शो और प्रोफाइल वीडियोस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप प्रोफाइल्स के ऊपर भी वीडियोस को सेटअप कर सकते हैं। तो ये कुछ नए 5 फीचर्स थे जो MIUI 12 के अंदर जो है इंप्लीमेंट हो गए हैं और चाइना के रोम के अंदर जो है आना शुरू हो गए हैं। हम इस टाइम पे Redmi K20 Pro यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम चाइना का बीटा रोम यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर जो है ये सभी फीचर्स जो है हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये फाइनली जो है चाइना के अंदर इंप्लीमेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।